हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज एक बार फिर RO ARO मेंस के लिए, जो कि 17, 18 और 20 फरवरी को होने वाला है, विलोम शब्द का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। एक और पार्ट इसका बचा है, पार्ट 5। अगर ये पांचों पार्ट आप लोग कर लेते हैं और इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तो इसके अलावा आपको विलोम शब्द में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ कि कौन से इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस बार के। तो आप लोग सिर्फ ये 5 पार्ट विलोम शब्द कर लीजिए, उसके अलावा मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से ही पूरा पेपर आएगा। कोई भी शब्द उठ के आएगा इन्हीं में से आएगा, अलग से कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। बट आपको जो भी करें, आप पूरे मन से लगन से करें, एक एक वर्ड आपको याद होने चाहिए इसमें से। और विलोम शब्द खत्म होते ही जल्द ही निबंध की है हमारे जो भी लेक्चर है इसमें तैयार हो चुके हैं, वो लेकर आऊँगी। प्लस आपका जो भी हमारे पास ये जैसे टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्लस ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, ऐसे लेटर की जो फॉर्मेट होता है वो कैसे बनाते हैं, और अनेक शब्दों एक शब्द जो भी हिंदी में पार्ट रह गए हैं, फटाफट 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर ये कोर्स ख़त्म करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी अपनी, कि जल्द से जल्द ये कोर्स ख़त्म हो जाए। आपके विलोम शब्द और पारिभाषिक शब्दावली मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करवा चुकी हूँ, आगे भी जल्द से जल्द वीडियो ला कर ये ख़त्म करवाऊँगी। उसके बाद मैं 15 तारीख के बाद से आप लोगों का पूरा अच्छे से मेंस के लिए फोकस करेंगे। मेंस पे हम लोग GS 1, 2, 3, 4, पहले 1 और 4 कंप्लीट कराने के बाद 2 और 3 कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जून में इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। प्लस MPPSC के लिए जो सीरीज़ अभी स्टॉप चल रही है वो भी जल्द से जल्द कंटिन्यू करूँगी। अभी MPPSC का नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर हम लोग कम ध्यान देकर RO ARO मेंस और PSC मेंस, जो UPPSC मेंस है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट 4 करते हैं। तो देखते हैं आज के पार्ट 4 की क्या क्या शब्दावलियां हैं इसमें विलोम शब्द में। तो इसमें पहला शब्द है मुख। मुख का हम लोग लिखेंगे विलोम शब्द प्रतिमुख या पृष्ठ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मीठा का कड़वा, मृदुल का रूक्ष, मालिक का नौकर, पात्र का कुपात्र, पतन का उत्थान, पराया का अपना, परिश्रम का विश्राम, प्रकाश का अंधकार होगा, प्रज्ञ का मूड होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रज्ञ का मूड, प्रफुल्ल का म्लान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, म्लान, प्रशंसा का निंदा, पानी का आग, पुरातन का नवीन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ववत का नूतनवत, प्रेम का घृणा, मिलन का विरह, मृत्यु का अमर, माता का पिता, मोक्ष का होगा बंधन, पुरुष का होगा स्त्री, पराजय का होगा जय, पता का होगा खोज, पवित्र का अपवित्र, प्रख्यात का होगा अख्यात, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रलय का सृष्टि, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रलय का सृष्टि या सृजन दोनों हो सकता है, प्रकट का होगा गुप्त या प्रच्छन्न, पालक का सहारक, पूर्व का उत्तर या पश्चिम, पूर्णिमा का अमावस्या, पूर्ण का अपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को साफ नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको साफ साफ शब्दों में ये बता रही हूँ विलोम शब्द, आप सुन के इसे मेमोराइज कीजिएगा। परार्थ का होगा स्वार्थ, पुरस्कार का होगा तिरस्कार, प्रसारण का होगा संकोचन, प्राचीन का होगा अर्वाचीन, इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है प्राचीन का अर्वाचीन, प्रजा का होगा राजा, फायदे का नुकसान, भला का बुरा, भिखारी का दाता, भारी का होगा हल्का, मान का होगा अपमान, मुख्य का होगा गौण, मलिन का होगा निर्मल, मनुज का होगा दनुज, मृत का होगा जीवित, परकीय का होगा स्वकीय, पतोन्मुख का होगा विकासोन्मुख, प्रमुख का होगा प्रधान, प्रमुख और प्रधान दोनों का जो मेन मीनिंग होगा वो होगा गौण, प्राची का होगा प्रतीची, ये इम्पॉर्टेंट है, पहले आ चुका है एग्जाम में, फूट का होगा मेल, बुरा का होगा अच्छा, भद्र का होगा अभद्र, भौतिक का होगा आध्यात्मिक, मानव का दानव, मानक का अमानक,
मूक का वाचाल इम्पोर्टेंट है, मूक का वाचाल आ चुका है पहले एग्जाम में, मरण का जीवन, मेहनती का आलसी, मुनाफा का नुकसान। चलिए आगे देखते हैं, य र ल व वाले जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द कैसे होते हैं, कौन कौन से, उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यश, यश का होगा अपयश, रत का होगा विरत, स्तधु का होगा गुरु, लौकिक का अलौकिक, बहिष्कार का स्वीकार, विपत्ति का संपत्ति, विपन्न का संपन्न, विस्तार का होगा संक्षेप, विवाद का होगा निर्विवाद, वृद्ध का होगा तरुण, वादी का होगा प्रतिवादी, विकास का होगा हाश, बसंत का होगा पतझड़, विधि का होगा निषेध, विरह का होगा मिलन, यथार्थ का होगा कल्पित, ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले आ चुका है, राग का होगा विराग, लिखित का होगा अलिखित, लेन का होगा देन, व्यास का समास, वृष्टि का अनावृष्टि, विश्लेषण का संश्लेषण, व्यष्टि का समष्टि, विसर्जन का आवाहन, वैतनिक का अवैतनिक, विजय का होगा पराजय, वन का होगा मरु, बृहत का होगा लघु, विमक का उन्मुख, विश्वास का अविश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, विष का अमृत, योगी का भोगी, रचना का ध्वंस या विनाश, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, राम का रावण, रूपवान का कुरूप, राजा का रंक या प्रजा, लुप्त का प्रकट, लिप्त का निर्लिप्त, विरल का विरत का निरत या शत, विकीर्ण का सकीर्ण, विकीर्ण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है पहले, वैमनस्य का सौमनस्य, व्यस्त का अकर्मण्य, विक्रय का क्रय, विधवा का सद्वा होगा, योग का वियोग, रात का दिन, राजतंत्र का प्रजातंत्र, रिक्त का पूर्ण, रंगीन का रंगहीन या बेरंग, कुछ भी लिख सकते हैं, लाभ का होगा हानि, लोह का होगा स्वर्ण, व्यर्थ का अव्यर्थ या सार्थक, कुछ भी दोनों में से, विनीत का उद्धत, विपद का संपद, विशिष्ट का साधारण, व्यय का आय, विस्तृत का संक्षिप्त, विख्यात का कुख्यात। तो आज के लिए इतने ही विलोम शब्द, लास्ट वीडियो रह गई है, वो मैं जल्द से जल्द आज शाम को नहीं तो कल तो पक्का ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद आपके विलोम शब्द यही ख़त्म होते हैं। आप इसी वीडियोस को, 5 वीडियोस बनी है, इसको बार बार मेमोराइज़ कीजिए, इसी में से ही आएगा क्वेश्चन, ये पक्का गारंटी है मेरी। आप नहीं तो पेपर मिला के बाद में देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग के आए इसमें से, और मैं खुद भी आप लोगों को बताऊंगी कि इतने क्वेश्चन आप लोग के आर ओ यारो मेंस में आ चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।